हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम पिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज पढ़ना चाह रहे हैं कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कोरोजन जो है उसको पढ़ना चाह रहे हैं। जब हम कोरोजन की बात करें, कोरोजन को डिफाइन करें, तो कोरोजन को हम डिफाइन करते हैं, प्रोसेस कोरोजन इज डिफाइंड एज, कोरोजन is defined as process of conversion of a metal, process of conversion of a metal into undesirable compounds। और जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनते हैं वो यूजुअली ऑक्साइड्स होते हैं। दिखाई दे रहा होगा, यूजुअली जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स हैं दे आर यूजुअली ऑक्साइड्स। वो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स यूजुअली ऑक्साइड बनते हैं। अनडिजायरेबल जो कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली ऑक्साइड्स बनते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि भाई कोरोजन क्या है, तो कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स यूजुअली ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो कोरोजन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है मेटल का कन्वर्जन होना, मेटल जो है उस मेटल का कन्वर्जन होना अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में। और जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स हैं वो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स आपके पास हैं, जैसे जनरली वो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑक्साइड्स हैं, यूजुअली ऑक्साइड्स हैं। अब जब कोरोजन होता है तो जनरल टर्म है, कोई भी मेटल हो उसके लिए हम कोरोजन यूज करते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन is known as rusting। जो rusting है उसको वो corrosion, यदि iron particular metal है तो उसके जो corrosion हुआ है उस corrosion को हम नाम देते हैं, वो जो corrosion हुआ है उस corrosion को हम नाम देते हैं कि ये rusting हो गई। क्या हो गया? Rusting हो गई। Corrosion जब iron का हो तो rusting हो जाती है, और rusting के अंदर आपने देखा होगा लोहे की जब भी rusting होती है तो ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है। ब्राउन कलर, ये मेटल का लो, ये आयरन है, इसकी सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर का कंपाउंड डिपॉजिट होता है। ब्राउन कलर कंपाउंड जो है वो डिपॉजिट होता है, वो रस्ट है, उसको हम रस्ट कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। कॉपर की सरफेस के ऊपर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपर की सरफेस के ऊपर जब कोरोजन होता है, when कोरोजन takes place on the surface of कॉपर की सरफेस पे यदि कोरोजन होता है तो green color develop होता है। भाई कैसा कलर डेवलप होता है? ग्रीन कलर डेवलप होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम्स में ये बातें पूछ लेता है कि जो ग्रीन कलर बना है वो ग्रीन कलर डेवलप हुआ है। तो एंट्रेंस एग्जाम्स में ये बात पूछ लेता है कि जो ग्रीन कलर बना है, इस ग्रीन कलर किन कौन से कंपाउंड का है, केमिकल कंपोजिशन इस ग्रीन कलर की क्या है। एक्चुअल में जब कॉपर के सरफेस के ऊपर कोरोजन होता है तो कॉपर के सरफेस के ऊपर, ये कॉपर है, जब इस सरफेस के ऊपर कोरोजन हुआ है तो कोरोजन के अंदर कॉपर ऑक्साइड बनती है, और वो कॉपर ऑक्साइड जो एयर में अवेलेबल CO2 होती है, CO2 कहाँ से आई? एयर के अंदर से। जो एयर में अवेलेबल CO2 होती है वो दोनों मिलकर CuCO3 बनाते हैं। कॉपर का कार्बोनेट होता है, और कॉपर कार्बोनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर विशेष रूप से ये एनटीएससी वगैरह के अंदर तो बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो ग्रीन कलर होता है कॉपर की सरफेस के ऊपर वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो जो ये बेसिक था हमारे पास कि कोरोजन क्या है, कोरोजन जब लोहे की सरफेस पे कोरोजन होता है तो उसे रस्टिंग कहते हैं, कॉपर की सरफेस ब्राउन कलर डेवलप होता है, और जब कॉपर की सरफेस के ऊपर कोरोजन होता है, जब कोरोजन कॉपर की सरफेस के ऊपर होता है तो वो ग्रीन हो जाती है, और ग्रीन कलर की फॉर्मेशन, ग्रीन कलर जो है वो किसकी वजह से है, वो कॉपर के कार्बोनेट की वजह से है। कॉपर का कार्बोनेट कैसे बना, जब रस्टिंग हुई तो कॉपर के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड बनी और ऑक्साइड CO2 से मिली, और CO2 से मिलने के बाद वो ऑक्साइड कन्वर्ट होगी किसमें, CuCO3। अब हमारे पास आता है भाई कि होता कैसे है, तो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग आती है सबसे पहले, रस्टिंग ही सिलेबस में है, रस्टिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग कब कहते हैं, रस्टिंग हम तब कहते हैं जब रस्टिंग का मतलब है, रस्टिंग, रस्टिंग क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, इज नोन एज रस्टिंग, जब कोरोजन आयरन का हो तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, रस्टिंग क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का लोहे का कोरोजन है वो रस्टिंग है। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग की बात करें तो हमने कहा ये सरफेस है कोई लोहे का, ये आयरन सरफेस है, आयरन सरफेस है, इस आयरन सरफेस के ऊपर लोहे का जो रस्टिंग, रस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन, रस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन एज ए सेट अप, सेटिंग ऑफ, सेटअप ऑफ, ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रस्टिंग को हम एक छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप के रूप में समझा सकते हैं। मैंने कल आपको समझाया था गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसकी तरह समझा सकते हैं। ये आयरन का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट डेवलप होता है जिस पॉइंट को एनोड कहा जाता है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जिसको हम कैथोड कहते हैं, जिस पॉइंट को कैथोड कहते हैं, कैथोड जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है जहां पर हाई डेंसिटी हो, हाई डेंसिटी ऑफ एयर हो, हाई डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की बहुत ज्यादा डेंसिटी हो, तो एयर के कॉन्टेक्ट में, एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में जब आता है कोई सरफेस, मेटल का सरफेस, उसी समय उस मेटल के सरफेस की, उस मेटल के सरफेस का कोरोजन होता है। जब भी कोई सरफेस एयर वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तब तो उसका कोरोजन होता है, और जब कोरोजन होता है तो एनोड के ऊपर आप सब ने देखा है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। तो लोहे का जो सरफेस था, उस लोहे के सरफेस के ऊपर एनोड था, लोहा था, एफी, ये ऑक्सीडाइज हो गया, एफी प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन का हुआ ऑक्सीडेशन, एफी कन्वर्ट हो गया, एफी प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नोट ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है इस प्रोसेस का, वो माइनस 0.44 वोल्ट है। अब लोहे की सरफेस ऑक्सीडाइज होगी, यहाँ से एफी प्लस टू कन्वर्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से होते हुए यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर हवा की डेंसिटी ज्यादा, जहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा, वहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन वहां पर है, उस ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा कैथोड के ऊपर, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, O2 कन्वर्ट होगी किसमें, H2O, रिडक्शन होगा, O2 H2O में कन्वर्ट होगी, रिडक्शन हुआ इसका। अब इस रिडक्शन की इक्वेशन को यदि आप बैलेंस करें, O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हुई, इस इक्वेशन को यदि आप बैलेंस करते हो तो आपके पास O2 कन्वर्ट्स इनटू H2O, रिड्यूस हो गई, ये रिडक्शन की प्रोसेस हो गई। इस रिडक्शन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन देखो यहाँ एक है, यहाँ दो है, दो कर दिया। हाइड्रोजन के लिए आपने कहा 4H2H पॉजिटिव हो गया, तो 4H पॉजिटिव प्लस चार्ज हो गया, चार पॉजिटिव, यहाँ एक भी नहीं, तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस रिडक्शन की प्रोसेस के लिए ई नोट रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो आपके पास ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है,
वो कितना है 1.23 वोल्ट, 1. वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज 1.23 वोल्ट, ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। अब ये प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में पूरा रिएक्शन देखें यदि आप कि कंप्लीट रिएक्शन यदि कैसे हुआ क्या हुआ, तो पूरा रिएक्शन यदि आप देखने की कोशिश करें कि रिएक्शन क्या कैसे हुआ भाई, तो रिएक्शन की बात कर लें आप। जब आप रिएक्शन की बात करते हो कि रिएक्शन कैसे हुआ है, तो रिएक्शन के अंदर हम चले तो दोनों को ऐड कर दें, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर Fe कन्वर्ट हुआ है Fe प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, एनोड ऑक्सीडेशन जो है दैट इज माइनस 0.44 वोल्ट। दूसरा O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूस 2H2O, एनोड रिडक्शन दैट इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। अब यदि कंप्लीट रिएक्शन देखें, रस्टिंग देखें, रस्टिंग का कंप्लीट रिएक्शन देखें, रस्टिंग का, तो रस्टिंग का कंप्लीट रिएक्शन आपके पास या चार इलेक्ट्रॉन्स हैं या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 2Fe विल गिव्स 2Fe प्लस 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन से चार इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या है आपके पास, नेट रिएक्शन क्या है 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव विल गिव्स 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2, और E नोट निकालते हो सेल का, इस पूरी सेल का, क्योंकि हमने कहा है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेटअप की तरह समझा सकते हैं इस बात को, तो E नोट यदि आप निकालते हो तो E नोट सेल इस सेल का यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, तो हमें जनरल प्रोसेस है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, एक ही फॉर्मूला बताया हमने कि E नोट सेल जो होती है दैट इज E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड होती है। लेकिन जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हो तो मैंने कहा था कि एक बात जरूर ध्यान रखना कि पोटेंशियल यूज्ड जो होंगे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज्ड शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल यूज होगा, रिडक्शन पोटेंशियल यूज होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज्ड शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में लेके आओ तो कैथोड आती है 1.23 माइनस, और बच्चों ये आपके पास क्या हो गया, ये कितना था माइनस 0.47, ये आपके पास कितना हो गया माइनस 0.47, तो ये आपके पास एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड माइनस 0.44 वोल्ट, 44 वोल्ट। इस प्रोसेस के लिए एनोड की वैल्यू यही थी, माइनस माइनस प्लस 0.44 की बात करो 1.67 वोल्ट। इस पूरी प्रोसेस का जो E नोट की वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई 1.67 वोल्ट। अब 1.67 वोल्ट आ गई, Fe ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर, Fe प्लस 2 के अंदर, Fe किसके अंदर यूज ऑक्सीडाइज हो गया, Fe प्लस 2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया, Fe जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया Fe प्लस 2 के अंदर। अब Fe प्लस 2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया, Fe आपके पास ऑक्सीडाइज हो चुका है Fe प्लस 2 के अंदर, तो यहां पर देखें आप Fe प्लस 2 जो बना वो Fe प्लस 2 सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस के ऊपर Fe प्लस 2 ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, जो मेटल की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, वाटर से कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ और वाटर से कंबाइन हुआ H2O से, और क्या बना गया Fe2O3 बना गया Fe2O3। ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन Fe2 था आपके पास, ऑक्सीजन Fe2 था, आपने इसको Fe को 2 कर दिया, बैलेंस किया, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने लगे तो हाफ O2 प्लस 2H2O, ऑक्सीजन हाफ O2 प्लस 2H2O प्लस ये 4H पॉजिटिव, क्योंकि 4 पॉजिटिव था। बैलेंसिंग को देख लें, यदि बैलेंसिंग किसी बच्चे को पहले नहीं आती हो तो बैलेंसिंग को देख लें एक बार, मैं बैलेंसिंग को बता देता हूँ। बैलेंसिंग आप देखें यदि इसकी, इस इक्वेशन की यदि आप बैलेंसिंग देखते हो तो बैलेंसिंग मैं एक बार बता देता हूँ आपको, नहीं भी आती होगी हो सकता है किसी बच्चे को, तो Fe प्लस 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर Fe2O3 बना गया, Fe देखो कितना 2 कर दिया, ऑक्सीजन 3 है इधर 2 है,
इधर ऑक्सीजन तीन है या दो ऑक्सीजन है, एक फालतू है, प्लस एच टू, प्लस एच टू क्या कर दिया आपने, प्लस एच टू। अब एच टू ओ कर दिया आपने तो हाइड्रोजन कितनी होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन पूरी होगी, एच टू ओ पर हाइड्रोजन कितनी हुई, दो, दो एच टू, दो एच पॉजिटिव, कितना हो गया, दो एच पॉजिटिव। अब हमें इस चार्ज को बैलेंस करना है, इक्वेशन तो बैलेंस होगी, टू एफ ई, टू एफ ई, ऑक्सीजन तीन, तो ऑक्सीजन दो रही तीन, ऑक्सीजन तीन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को जो बिना जोड़े ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इस चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ चार पॉजिटिव, दो पॉजिटिव है उधर चार पॉजिटिव है, तो हम इसको बैलेंस करें, टू एफ ई, ऑक्सीजन को क्या कर दिया मैंने, हाफ ओ टू, हाफ ओ टू, क्योंकि हाफ ओ टू किया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ से, दो ऑक्सीजन, हाफ ओ टू प्लस एक वन बाई टू इंटू टू, वन ऑक्सीजन, टू एच टू ओ, टू एच टू ओ, एफ ई टू ओ थ्री प्लस ये आपके पास फोर एच पॉजिटिव। बेसिक तरीका बैलेंसिंग बता दिया, ये चार्ज को बैलेंस करने का इक्वेशन थी, ये बन गया। अब आपके पास एफ ई टू ओ थ्री बढ़ा, ये एफ ई टू ओ थ्री जो बढ़ा, ये एफ ई टू ओ थ्री एक्स मोलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर क्या बनाया, एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ, और जो ये कंपाउंड बना, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं रस्ट। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, इस कंपाउंड कहते हैं रस्ट। तो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रस्ट, रस्ट क्या है, तो जब रस्ट की बात आती है कि रस्ट क्या है, तो रस्ट को डिफाइन करते हैं, रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या है रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये आपके पास रस्ट, आप समझ लें रस्ट क्या है, तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड याद रखें जरूर। ये भी पूछ लेता है मेटल की ड्यूरिंग रस्टिंग, मेटल की सरफेस के ऊपर, आयरन की सरफेस के ऊपर जो येलो कलर का कंपाउंड बढ़ता है, जो ब्राउन कलर कंपाउंड बढ़ता है, ब्राउन कलर का जो कंपाउंड बढ़ता है वो कंपाउंड क्या है, तो वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, नॉट फेरस ऑक्साइड। एक चीज आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐसी थी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, कि मैंने जब ये लिखा था कि ऑक्सीडेशन हुआ, एफ ई कन्वर्ट्स इन टू, एफ ई ऑक्सीडाइज हुआ एफ ई प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स में, और जो मैं ई नोट लिख रहा था ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, उसको सही करें, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ई नोट वो एफ ई प्लस टू कन्वर्ट्स इन टू एफ ई रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.44 वोल्ट, ये याद रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो बच्चों ये मैकेनिज्म था आपके पास रस्टिंग का, कि रस्टिंग जो है वो ऐसे होती है, रस्टिंग जो करवाते हो वो इस तरह से रस्टिंग होती है, रस्टिंग का ये मैकेनिज्म था। अब हमारे पास आता है कि कौन कौन से ऐसे मेथड बने जिसके द्वारा हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें, मेथड कौन कौन से बने जिसमें हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो जब हम मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग देखें कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने वाले मेथड, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो रस्टिंग को बचाव करने वाले, कोरोजन को, बस कोरोजन को बचाने वाले जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन आता है, बैरियर प्रोटेक्शन मेथड आता है, बैरियर प्रोटेक्शन जो मेथड है उस मेथड में ये मान लो आपके पास मेटल है और ये देखा आपने कि H2O और O2 यानी हवा और पानी जब दोनों इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी रस्टिंग होगी, तभी रस्टिंग होगी, नहीं तो रस्टिंग नहीं होगी। अब यदि हवा और पानी दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे तो रस्टिंग होगी, तो एक बैरियर डालना है, एक रुकावट डालनी है कि इस मेटल की सरफेस के कॉन्टेक्ट में ये हवा और पानी ना आ पाए, तो उसके लिए हमारे पास बहुत से विकल्प हैं, पेंट कर दो, पेंट कर दो, पेंटिंग, ऑयल लगा दो सरफेस के ऊपर, ऑयल लगा दो, और भी रबिंग कर दो इसके ऊपर, कुछ भी कर सकते हो आप, ये बैरियर प्रोटेक्शन होता है, जनरल है, केमिस्ट्री नहीं है, इसके अंदर जनरल बात है कि भाई क्यों हुई रस्टिंग, तो रस्टिंग तब होती है जब हवा और पानी दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, रस्टिंग को रोकना है तो ये आपके पास आसान तरीका है। दूसरा आपके पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये केमिस्ट्री का मेथड है,
सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सेकंड मेथड आपके पास आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये देखें, ये केमिस्ट्री का मेथड है, इस मेथड में केमिस्ट्री यूज होती है। सेकंड प्रोसेस है आपके पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल मेथड, सैक्री SCARI, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जब आप सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात करते हो तो सैक्रिफाइस जो वर्ड लिया गया वो सैक्रिफाइस वर्ड बलिदानों से लिया गया कि बलिदान, एक दूसरे का बलिदान दे दिया जाए। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड ए मोर रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस के। अब हमने देखा है कि आयरन की सरफेस के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल कोट करते हैं, जैसे इनोट देखा हमने अभी, इनोट Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe, ये वैल्यू आपके पास -0.44 वोल्ट थी, और इनोट Zn+2 कन्वर्ट्स इनटू Zn, ये वैल्यू आपके पास -0.76 वोल्ट। हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने देखा है कि रस्टिंग यदि होगी, कोरोजन यदि होगा, तो उसके अंदर एनोड बनेगा मेटल, और मेटल एनोड बढ़ते साथ उस मेटल का डीकम्पोज शुरू होगा, उसका ऑक्सीडेशन शुरू होगा। अब इन दोनों को देखें यदि हम, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो किसका होना चाहिए, बोलो, ऑक्सीडेशन इन दोनों को लगाए तो किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम, ये जिंक। तो यदि हम आयरन की सरफेस के ऊपर यदि हम जिंक लगा दें, आयरन की सरफेस के ऊपर यदि हम जिंक लगा दें, जिंक की कोटिंग कर दें, ये आयरन था, इसकी सरफेस के ऊपर यदि मैं जिंक की कोटिंग कर दूं, जिंक लगा दूं, तो ये आपके पास जब भी हवा और पानी कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये हमेशा याद रखना कि जिंक का ही ऑक्सीडेशन होता रहेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहेगा, आयरन जो है वो सेफ रह जाएगा, आयरन सेफ हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कोई पूछे कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन सरफेस विद जिंक जिंक के द्वारा। एक प्रोसेस और भी आती है हमारे पास, जब हम बात करें तो हमारे पास एक और भी प्रोसेस आती है जिसमें हम लोहे की सरफेस को टिन प्लेटिंग कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। जब लोहे की सरफेस को एसन से, यानी कि हम लोहे की जो सरफेस है उस लोहे की सरफेस को हम टिन से कोट कर देते हैं, लोहे की सरफेस इनोट Sn+2 कन्वर्ट्स इनटू Sn, ये जो वैल्यू है ये -0.14 वोल्ट होती है, इस प्रोसेस में भी हम क्या करें, अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम लोहे की जो सरफेस है उस लोहे की सरफेस को कोट करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, लोहे की सरफेस के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, किसकी कोटिंग कर देते हैं, टिन की, ये लोहा था आयरन, इसकी सरफेस के ऊपर हमने टिन की कोटिंग कर दी। इस प्रोसेस को हम टिनिंग कहते हैं या टिन प्लेटिंग कहते हैं, ये प्रोसेस जो थी इसको हम कहते हैं टिनिंग और टिन प्लेटिंग, ये जो प्रोसेस है इसको हम टिनिंग और टिन प्लेटिंग कहते हैं। अब क्योंकि लोहे की सरफेस के ऊपर टिन लगी तो इनोट देखो आप, इनोट Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe -0.44 वोल्ट, और इसका देखें यदि इनोट Sn+2 कन्वर्ट्स इनटू Sn, ये आपके पास -0.14 वोल्ट, बोलो भाई 0.14 वोल्ट। अब यदि यहाँ पर ये देखना हो कि भाई जब तक ये कोटिंग है तो तब तक तो कोई बात नहीं है, जब तक सारा लोहा कवर है तब तक तो कोई बात ही नहीं है, तब तक तो वो उसको एयर वाटर को इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगा। यदि बाय द वे कहीं से कोटिंग टूट गई,
टिन की कोटिंग कहीं से टूट गई, ये टिनिंग प्रोसेस में टिन कोटिंग कहीं टूट गई, अब एनोड बनाना होगा। इसमें इसमें आप बताओ कौन सा एनोड बनेगा। अब जो ये सरफेस भी एक्सपोज हो गया, ये भी एक्सपोज सरफेस हो गया, अब बताओ कौन एनोड बनेगा। एक्सपोज हो गया सरफेस, जब ये सरफेस एक्सपोज हो गया तो इस सरफेस में अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन एनोड बने, एनोड कौन बने। तो एनोड इसमें कौन बने, एनोड वो बने जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, और रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है बोलो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, नेगेटिव वैल्यू है आयरन, आयरन का जो है -0.44 वोल्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो ये आपके पास यदि कहीं पर ये कोटिंग टूट गई तो उस केस में अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि हमारा जो सरफेस है मेटल का वो सेफ है, लेकिन अंदर ही अंदर कोटिंग हो सकती है टिनिंग के केस में। जबकि गैलोनाइजेशन के केस में कोटिंग टूट भी गई तब भी कोटिंग हमेशा जो एनोड ऑक्सीडेशन है, जो कोरोजन है, वो जिंक का ही चलता है। तो ये पहला दूसरा ये मेथड था सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें दो प्रोसेस पड़ी है, एक गैलोनाइजेशन की और एक टिनिंग की, याद रखना सभी। अगला है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अगला जो प्रोसेस है दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। हमने दो मेथड पढ़ लिए, पहला आपके पास था बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा था सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और थर्ड इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन। जब आप कैथोडिक प्रोटेक्शन की बात करें तो कैथोडिक प्रोटेक्शन जो मेथड है वो जनरली वहां पर यूज करते हैं हम उस मेथड को जब आप जो वाटर बॉडीज के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर पाइपलाइन गुजरती है, गैस की पाइपलाइन गुजरती है, समुद्री जहाज रहते हैं, लगातार पानी में रहते हैं। अब वो लगातार जब पानी में रहते हैं, लगातार जब वो पानी के अंदर रहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमने एक जो आयरन की सरफेस थी उसके साथ एक वायर लेकर एक मोर रिएक्टिव मेटल को का पीस लेते हैं, और उसको हम इस जो भी वाटर बॉडीज के अंदर से ये आयरन पाइप है, सपोज करो आयरन पाइप है, और ये आयरन पाइप है, ये आपके पास क्या है, वाटर है। हम इस आयरन पाइप को के जो पानी में से गुजर रहे हैं उसके साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं, और उस वायर के साथ एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स अटैच कर देते हैं। मान लो हमने अटैच कर दिया मैग्नीशियम का मेटल अटैच कर दिया, एनोड जो वैल्यू है दैट इज -2.3 वोल्ट। एनोड वैल्यू कितनी है, -2.3 वोल्ट, और आयरन की कितनी है एनोड, एनोड वैल्यू Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe दैट इज -0.44 वोल्ट, 44 वोल्ट। ये एनोड Mg+2 कन्वर्ट्स इनटू Mg की वैल्यू है। तो आपके पास अब एनोड कौन बने, ये मेन फंडा ये है कि जो रस्टिंग होनी है वो एनोड के ऊपर होनी है। तो एनोड कौन बचे बने, एनोड कौन सा सरफेस एनोड बनेगा, तो एनोड का सरफेस वो बने जिसका एनोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, कम हो। तो कम ये वाली वैल्यू है -2.3 वोल्ट, ये कम वैल्यू है। यदि कम वैल्यू है तो ये एनोड बनेगा आपके पास, ये एनोड बने तो एनोड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड बनेगा, ये वाला क्या हो जाएगा कैथोड बनेगा, और इसका एनोड के का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन जब एनोड का होगा, एनोड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उस ऑक्सीडेशन के केस में मैग्नीशियम जो था Mg वो कन्वर्ट होगा Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और जो कैथोड है आयरन की सरफेस के अंदर, आयरन की सरफेस कैथोड का काम करेगी, और जो पानी में डिजोल्ड जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन डिजोल्ड है वाटर के अंदर, वो सारी ऑक्सीजन इसके ऊपर जाकर रिड्यूस होगी, यानी O2 जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, H2O के अंदर। बैलेंस कर दो, 2H2O, 2 ऑक्सीजन, 2H2, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शंस होंगी किसमें, कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर। किसके अंदर होंगी रिएक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर ये रिएक्शन आपके पास होंगी इसके अंदर। इसमें कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट्स जोड़ते हो, कोई भी रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है उसको आप जोड़ देते हो, अटैच कर देते हो। अगली बात देखिए, अगला आपके पास एंटी रस्ट सॉल्यूशन आते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आते हैं कुछ एक। तो बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन अगला है बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस।
कुछ एक एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज कर लेते हो आप। जब आप एंटी रस्ट सॉल्यूशंस की बात करोगे, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं सर? तो एंटी रस्ट जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस हैं। दे आर बेसिक नेचर सॉल्यूशंस, दे आर सॉल्यूशन ऑफ बेसिक नेचर। वो बेसिक नेचर के हैं और जहाँ भी मीडियम बेसिक होगा, क्योंकि रिडक्शन ऑफ ऑटो के लिए आपने देखा था एच पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ी थी, एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ी थी, तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन वो बनेंगे जिसके अंदर मीडियम क्या हो, बेसिक होगा। बेसिक मीडियम जब बनेगा उसमें होगा, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं फॉस्फेट के और क्रोमेट के। दे आर सॉल्यूशन ऑफ बेसिक नेचर और दे आर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट एंड क्रोमेट। फॉस्फेट एंड क्रोमेट ये पीएच को बेसिक रखते हैं, एच पॉजिटिव आयंस नहीं बढ़ पाता। जब एच पॉजिटिव आयंस नहीं होता इसके अंदर, और एच पॉजिटिव आयंस नहीं होता तो O2 का रिडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि एनोड के ऊपर तो ऑक्सीजन का, एनोड के ऊपर तो Fe का ऑक्सीडेशन हुआ था और कैथोड के ऊपर रिडक्शन हुआ था, तब जाकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरी हुई थी। तो रिएक्शन पूरा नहीं होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन पूरा नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं हो पाई। तो ये मेथड थे बच्चों प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के। अब हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग रस्टिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग, जो रस्टिंग है उस रस्टिंग को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है पहला फैक्टर। जितना मोर रिएक्टिव द मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिहाइड्रेट, मोर इज द रस्टिंग। रस्टिंग रिएक्टिविटी डिसाइड होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा आता है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी इंक्रीज करती है। तो जो इंप्योरिटी होती है वो इंप्योरिटी रस्टिंग को इंक्रीज करती है। जैसे हवा के अंदर यदि CO2 हुआ, SO2 ज्यादा हुआ, तो वो सारी की सारी इंप्योरिटी जो है वो रस्टिंग को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। अगला फैक्टर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी प्रेजेंस भी रस्टिंग को इंक्रीज करती है। जैसे जो बर्फ वाला क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है, वहां पर यदि हम देखें तो उस क्षेत्र के अंदर जहाँ पर बर्फ गिरती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होता है NaCl, तो वहाँ जो ऑटो चलती हैं वो सारी की सारी जो ऑटो हैं वो जल्दी जल जाती हैं, एज कम्पेयर टू जो पहाड़ी एरिया में नहीं चलती, जो नॉर्मल ग्राउंड एरिया के अंदर जो ऑटो चलती हैं उसके कंपेरिजन में, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होती है और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रस्टिंग को बढ़ाती है। अगला आता है पॉइंट ऑफ स्ट्रेन। यदि आप देखें लोहे की कोई कील देखें, तो उस लोहे की कील के सरफेस पॉइंट के ऊपर जो बिल्कुल पैना पॉइंट होता है वहां पर हमेशा रस्टिंग स्लो होती है। बैंड्स हो, पॉइंट्स, स्ट्रेन का कोई पॉइंट हो, हमेशा रस्टिंग वहां पर फास्ट होती है। तो बच्चों ये आपके पास सारे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं रस्टिंग को। रस्टिंग क्या है, कोरोजन क्या है, ये इसका मैकेनिज्म था। अच्छे से इस लेक्चर को देखें, पढ़ाई करें, अगला लेक्चर भी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।